प्रभावपूर्ण संप्रेषण। तो प्रभावपूर्ण संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि जो भी सेंडर रिसीवर को बताना चाहता है उसको 100% उसको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर सेंडर जो होता है नॉलेज प्रोवाइडर होता है, और रिसीवर जो होता है नॉलेज गेनर होता है। तो जो सेंडर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो भी नॉलेज हो, इमोशन हो, फीलिंग्स हो, वो रिसीवर को 100% समझ में आना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि संप्रेषक द्वारा संप्रेषित किया गया संदेश ही पर्याप्त होता है, बल्कि यह भी आवश्यक होना चाहिए कि संदेश प्राप्तकर्ता भी संदेश को उसी दृष्टिकोण से समझे जिस दृष्टिकोण से संप्रेषक उसे समझाना चाहता है। संप्रेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि संप्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता एक ही दृष्टिकोण से संदेश को समझे। ठीक है, कि जिस दृष्टिकोण से सेंडर जो है वो रिसीवर को बताना चाहता है, रिसीवर भी उसी दृष्टिकोण से उस नॉलेज को, इमोशन को, फीलिंग्स को, फैक्ट्स को समझे। तो इसी के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब बनेगा, उसके लिए कुछ तथ्य है, कुछ एलिमेंट्स है, या फिर कुछ फैक्टर्स है जिसपे आपको काम करने की जरूरत है ना। तो इसमें से क्या है, प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला क्या होता है, सुटेबिलिटी या उपयुक्तता, है ना। किसी भी संदेश के संप्रेषित करने का माध्यम उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी हम माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं वो मीडियम जो हो हमारा उपयुक्त होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम भाषा का भी बात कर रहे हैं तो वो भी सुटेबल लैंग्वेज होना चाहिए। टेक्निक का बात कर रहे हैं तो टेक्निक भी हमारा सुटेबल होना चाहिए, है ना। सुटेबल कहने का मतलब आसानी से दोनों सेंडर और रिसीवर, सेंडर आसानी से सेंड कर सके या डिलीवर कर सके, और रिसीवर आसानी से उसको रिसीव कर सके। और जितना फास्ट कम्युनिकेशन होता है उतना बेटर होता है ना। ऐसा नहीं कि डाक पोस्ट से भेज दिए, तो अगर आपको तुरंत किसी को खबर पहुंचानी है तो तुरंत आप बात कीजिएगा फोन पे। अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाए तो चलेगा, तो आप मैसेज, ईमेल, ये सब कर सकते हैं। दूसरा है वैचारिक लक्षण या कंसिडरेशन। ठीक है, संदेश हमेशा संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। रिसीवर का व्यक्तित्व, गरिमा तथा शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। दूसरा चीज है सेंडर के साइड से, कि सेंडर को ये बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम नॉलेज, ज्ञान, है ना, प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको बताना चाहते हैं रिसीवर को, तो सेंडर को ये चीज पता होना चाहिए कि जो भी मैसेज होगा, जो भी नॉलेज, फैक्ट, इमोशन होगा, वो रिसीवर के अनुरूप होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज कि उसका कहीं पर ईगो हट ना हो, उसकी कोई जो गरिमा है ना, जो डिग्निटी है उसको ना हट करे, उसका स्टेटस को हट ना करे। दूसरा चीज उसकी शिक्षा, एजुकेशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हम किस तरह का कम्युनिकेशन किसके साथ कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, उसकी समाज से बिलोंग करता है ना, उसका व्यक्तित्व, तो उसका आचरण कैसा है, वो किस थॉट से बिलोंग करता है ना, उस किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये सारे चीज सेंडर को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बच्चा से बात कर रहे हैं तो बच्चा की तरह ही आपको बात करना होगा। ठीक है, उसी के आधार पे नॉलेज आपको प्रोवाइड करना होगा। ऐसा नहीं कि 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं और वहां पर आप रिसर्च मेथोलॉजी, इकोनोमेट्रिक, है ना, पोलिटिकल बात करना शुरू कर दीजिएगा तो उन लोगों को पढ़ने के बाद नहीं आएगा। तो ये सेंडर को इस चीज को ध्यान रखना होगा कि हमारा रिसीवर किस एज ग्रुप का है, किस स्टेटस से बिलोंग करता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशियो कल्चर स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है ना, और किस रीजन से बिलोंग करता है, और उसका जो थिंकिंग पावर है, मेंटल, जो मेंटल कंडीशन है वो कैसा है ना, वो किस सिचुएशन से जी रहा है, ये सारे चीज सेंटर को पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमको जॉब करना है तो उसके लिए उपयुक्त समय है या नहीं है, अगर हम कोई सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं तो वो उसके सुनने लायक है या नहीं है ना। तो ये चीज का, सारा चीज का ध्यान आपको रखना होगा। या फिर ये भी ध्यान रखना होगा वो नैरो माइंडेड है या ब्रॉड माइंडेड है। नैरो माइंडेड है तो वही टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं जिसमें वो समझता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है संक्षिप्तता या कॉन्सिसनेस, है ना। प्रभावी व्यावसायिक संप्रेषण में संक्षिप्तता होना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्त करने का मतलब कि छोटा, अब इतना भी छोटा नहीं कि उसको आधा मीनिंग गोल कर दे, लेकिन जितना भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, जितना भी मिनिमम टाइम में या मिनिमम वर्ड में आप प्रोवाइड कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि कोई अगर पढ़ा रहा है आपको और पूरा लेंदी किए जा रहा है, आपके दिमाग से बाहर जा रहा है ना, तो इस केस में रिसीवर को उतना समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको संक्षिप्त में बताना होता है कि ना तो कम ना तो ज़्यादा। जो जैसे कि कोई भी चैप्टर पढ़ाता है ना, टीचर लोग पढ़ाता है कोई भी चैप्टर पे, तो उसमें देखिएगा तो 10 पेज का चैप्टर होता है, लेकिन टीचर जब पढ़ाता है तो एक क्लास में उसको खत्म कर देता है, क्योंकि उसमें से जो नेसेसरी चीज है, क्योंकि
या इंपॉर्टेंट बात है उसी को बताता है, बाकी बात को नहीं बताता है ना, या फिर उसी को दूसरा वे में शॉर्ट करके आपको बताता है। तो कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो आपका लेंदी नहीं होना चाहिए बल्कि कंकुरेट होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूटी। तो देखिए संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है एक क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कि जैसे फोन में बात करते हैं ना, आप बात कर रहे हैं, ये सुना, फिर ये रिप्लाई दिया, फिर ये बात किया, फिर ये रिप्लाई किया, ये बात किया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक बार आप इसको बोले हेलो तो ये भी बोलेगा हेलो, फिर ये बोले जा रहा है और आप इधर से कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन आपका इंटरप्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव पे, उसी उद्देश्य के आधार पे आपको बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव कुछ और है, बात कुछ और कर रहे थे और टॉपिक डिस्कस करके कुछ और उसमें बोलना शुरू कर दिए। नेक्स्ट जो है अर्थपूर्ण, कोई भी या कंकुरेटनेस जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब आप बात कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एक मतलब होना चाहिए, चाहे वो जोक क्यों नहीं हो, किसी को हट क्यों नहीं करना हो, हट तो ऐसे कर कीजिएगा तो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, है ना। या किसी भी टॉपिक पे अगर बात कर रहे हैं तो वो एक अर्थपूर्ण होना चाहिए, किसके लिए, आपके लिए भी और रिसीवर के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए आप बात कर रहे हैं तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, है ना। प्रभावी संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि संप्रेषक प्रत्येक दृष्टि से अर्थपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो सेंडर के दृष्टिकोण हो या फिर रिसीवर के दृष्टिकोण से हो, वो आपका अर्थपूर्ण होना चाहिए, चाहे कॉमेडी की बात ही क्यों नहीं करें, तो दोनों को मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉमेडी किया जा रहा है दूसरा मुंह फुलाए बैठा हुआ है, वैसा भी नहीं होना। कॉर्टेसिस, है ना, शिष्टता, जिसको हम लोग बोलते हैं शिष्टाचार। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपको उसमें एथिक, मॉरल एथिक को ध्यान में रखना होगा, है ना, शिष्टाचार को आपको उसमें रखना होगा, ठीक है। कहने का मतलब तमीज से बात करना, जिसको बोलते हैं ना कि तमीज से बात करो, वही तमीज यहाँ पर आपको रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप गाली दे रहे हैं या फिर एक वर्ड बोल रहे हैं, चार को गाली दे रहे हैं, एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा संप्रेषण नहीं होता है, ठीक है। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि संप्रेषण हमेशा शालीन तथा शिष्ट भाषा में करना चाहिए, है ना, मतलब कि शुद्ध और प्योर भाषा में करना चाहिए। शुद्ध और प्योर कहने का मतलब कि उसमें कोई भी वल्गरिटी नहीं होना चाहिए। वल्गरिटी कहने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना, गाली गलौज करना, डबल मीनिंग में बात करना, या फिर उसको किसी को नीचा दिखाने के वाला वर्ड का इस्तेमाल करना, है ना, चाहे वो उसका कास्ट से लेकर हो, रिलीजन से लेकर हो, या फिर उसका कुछ व्यक्तिगत हो, ये सारे चीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना चाहिए शिष्टाचार। नेक्स्ट जो होता है पूर्णता, कंप्लीटनेस, ठीक है। तो संप्रेषण जो है वो एक कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट दो तरह से कर सकते हैं, एक तो है कि पूरा क्या बोलते हैं डिटेल लिख दिए, इतना लिख दिए कि जो रिसीवर है वो पढ़ने में बोर हो गया, है ना, मतलब कि जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो कंकुरेट होना चाहिए। और दूसरा चीज संपूर्ण, पूर्ण होना चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कोई वैकेंसी निकाला उसमें एज लिमिट दे दिया, एबिलिटी दे दिया, है ना, उसमें क्वालिफिकेशन दे भी नहीं किया, या कुछ एक टर्म मिस कर दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिस कर दिया, या एक्सपीरियंस मिक्स कर दिया, या स्ट्रीम मिक्स कर दिया, तो उससे का कारण क्या होता है कि आपका सही तरीका से आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं होता है, है ना, तो वहां पर भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पूर्ण होना चाहिए, या फिर जो आप लिख रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, या फिर ओरली बात कर रहे हैं, ये दोनों की स्थिति में आपकी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ उड़ गया, अरे फिर से जैसे होता ना, बात कर रहा है सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया लेकिन मेन चीज बोलना था वो भूल गया, तो बाद में बोलेगा अरे सलाह ये चीज तो बोलना भूल गए, इसको बताना था, बाद में फिर फोन लगा रहे हैं, आपको फोन लग ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहले जो उद्देश्य है उसको आप कंप्लीट कीजिए, बाद में आप उसके अलावा कुछ बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लियरिटी और करेक्टनेस होना चाहिए, है ना, स्पष्ट तथा सही, करेक्ट और क्लियरिटी, ये हमेशा कम्युनिकेशन में ये दो चीज वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर होता है, कि आप भाषा भी बोल रहे हैं तो भाषा की स्पष्टता होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए। लिख रहे हैं, रिटर्न बोल रहे हैं या ओरल बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्लियर स्पेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा उर्दू, आधा हिंदी, आधा बंगला, कौन कौन भाषा में लिख के भेज दिए, आधा सिंबल, आधा वर्ड, आधा, है ना, इस तरह से मिक्स ही नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्लियर कट होना चाहिए। या फिर देखिए क्लियर कट कब होगा, एक सीक्वेंस में आपको लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो ये चीज़ होना चाहिए कि पहला कौन सा बोलना है या लिखना है, दूसरा में क्या बोलना है, तीसरा में क्या बोलना है, ये चीज़ होना जरूरी है। और दूसरा कि अगर आप सेंटेंस
रिटर्न लिख रहे हैं, तो रिटर्न में खास करके ज्यादा देखा जाता है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का उल्टा अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो जो आप समझाना चाह रहे थे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, खाली ईज के जगह पर वाज कर दीजिए या वाज के जगह पर विल कर दीजिए, आपका पूरा मतलब ही बिगड़ जाएगा। तो ये दोनों चीज यहाँ पर आपको समझना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा कि स्पष्ट होता था सही, मतलब कि करेक्ट और क्लियरिटी के साथ आपको कम्युनिकेशन करना होगा। नेक्स्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, जब आप बात कर रहे हैं तो आपको भाषा में थोड़ी सी लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन होने का मतलब कि जैसे कि टीचर लोग होता है स्टूडेंट्स से क्लास में बात करता है, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम धारा प्रवाह जो बोले जा रहा है किसी का सुन नहीं रहा है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आपको लिबरल होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि चलिए बात करते करते थोड़ा सा कुछ कॉमेडियन हो जाए या फिर कुछ माइंड को डिस्ट्रैक्शन करने वाला हो, ठीक है। अब इमोशनल खाली बातें करने जा रहे हैं किए जा रहे हैं तो उस तरह से भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका होना चाहिए। ये ओरल में ज़्यादातर होता है, आपका रिटन में नहीं होता है, है ना। तो अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है या फिर करना है तो आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ थॉट आपके विरोध जा रहा है तो आप उस समय थोड़ा सा सहम जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपके कुछ विरुद्ध जो आप सुनना नहीं चाहते हैं या फिर वो आपकी थॉट या आपकी सोच के परे हैं उस पर आप रिएक्ट करना कर रहे हैं, है ना, करना शुरू कर दिए, तो इस केस में ऐसा आपको सेंडर भी आपका क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा, है ना, मतलब टीचर है तो टीचर भी इरिटेट हो जाएगा। इस कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी का होना जरूरी होता है। तो देखिए ऊपर का जितना भी पॉइंट है उसको नाम दिया गया 7C मॉडल, है ना, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, 7C होना चाहिए, ठीक है। कोई 4C बोलता है, कोई 7C, कोई 6C, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है 7C। तो ऊपर में सारा डिस्कस किया हुआ है, जिसमें से हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, विशिष्टता, शुद्धता, पूर्णता, स्पष्टता, संक्षिप्त, शिष्टता और विचारणीय, है ना। इंग्लिश में सी में होगा कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, क्लियरिटी, कॉन्शियसनेस और कर्टेसी और कंसिडरेशन, है ना, नम्र, भाषा का प्रयोग, विचारणीय, सब सारा चीज़ हो जाता है। ऊपर में सारा चीज़ का डिस्कस किया हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसमें एक चीज़ यार आप लोग ध्यान रखिएगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैच करना चाहिए, समझ गए बात कि नहीं हो, कि आप अगर जैसा बोल रहे हैं वैसा आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी वैसा ही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कॉमेडी कर रहे हैं और आप, हाँ, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, दोनों इफेक्ट जैसे कि होता है ना एक बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ, है ना, आपकी वर्ड का मैचिंग भी होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं ना कोई हाथ उठाता है, कोई बॉडी को, माथा, सर, फेस, है ना, या फिर मतलब कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जो है ना, खास करके जो आपका ओरल है, मतलब जो बोल रहे हैं, है ना, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों मैच करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में आपका फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, हाथ का हैंड एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, फिंगर एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दोनों मैच करना चाहिए, तब, है ना, तभी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और सुनने वाला इंटरेस्ट भी लेगा, नहीं तो आप पे इंटरेस्ट नहीं करेंगे, जाए पोडियम में जाके और बैठ के खाली बस खड़ा हो गए और ज्ञान देना शुरू कर दिए, तो वैसे में इंटरेस्ट नहीं होता है। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक सर्कुलर जो होता है ना, टू वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे नहीं, सर्कुलर जो हम लोग बात करते हैं ना वो चीज़। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जितना भी टेक्निक होता है सब चीज़ यहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ता है। जैसे कि सेंडर, सेंडर कौन होता है, हमारा टीचर होता है, है ना। तो टीचर क्या करेगा कि जो भी इसको पढ़ाना है वो फॉर्मुलेट करेगा पहले, है ना, फिर इनकोड्स करेगा और फिर उसको ट्रांसमिट करेगा। कि पहले फॉर्मुलेट करने का मतलब कि जो भी कंटेंट है, कंटेंट उसको पता होना चाहिए, क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चा को भी पता होना चाहिए, टीचर को भी पता होना चाहिए, उसका नोट्स सही तरीके से बना के जाना चाहिए। आजकल तो कॉलेज में ये सब नोट्स का नामों नहीं लेता है ना, कि प्रॉपर आपका एक नोट्स होना चाहिए जिसमें आप देख के भी पढ़ा सकते हैं और बच्चा को उसको कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन है ना, मतलब कि जो हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उसमें आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, पहला तो आपका इसके अंतर्गत क्या होगा, टीचिंग कंटेंट। कंटेंट करने का मतलब आपका चैप्टर जो भी है, जिस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैसेज करने का मतलब कि जो भी आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक प्रॉपर नोट्स या फिर आप घर में तैयारी करके जाइए। उसके बाद मीडियम, मीडियम एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ऑडियो वीडियो विजुअल है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या तो सिर्फ ऑडियो या तो सिर्फ वीडियो भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ दोनों का प्रयोग होना जरूरी है, ऑडियो और वीडियो का। जैसे कि ग्राफ बता रहे हैं तो ऐसे
हाथ में छापने से टाइम होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन वही चीज़ अगर प्रेजेंटेशन से आप दिखा रहे हैं तो उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है। नोट्स बता रहे हैं और वो लिखा हुआ है, बच्चा पढ़ भी रहा है और आप समझाए जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग होता है ना। कौन सा, प्रोजेक्टर से पढ़ाना, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना, है ना। तो यहाँ पर मीडियम सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस मीडियम से आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल हो गया ऑनलाइन हो गया, फिर फेस टू फेस हो गया, है ना, या वीडियो कॉलिंग हो गया, ऑडियो वीडियो विजुअल हो गया, जैसे भी करते हैं। रिसीवर कौन सा हो जाता है, लर्नर, स्टूडेंट। तो ये मीडियम के थ्रू रिसीव करेगा, बाद में ये भी क्या करेगा, जो भी इसका डॉट होगा, है ना, वो डॉट को क्या करेगा, इनकोड करेगा, है ना। मतलब कि पहले जो आप भेजे उसको डिकोड करेगा, जो भाव जिसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसको आप अपनी भाषा में इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हर किसी का भाषा जो होता है वो समझने का कैपेसिटी वो हर हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन के बाद क्या करते हैं, आप फीडबैक भेजते हैं, फीडबैक या फिर क्वेश्चन अराइज करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अराइज करते हैं तो वो भी इसी मीडियम के थ्रू जाएगा, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, टीचर के पास चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन हो गया, सर्कुलर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा मॉडल जो है वो आता है। अब देखिए, फैक्टर ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्ट कौन कौन सा करता है। पहला टीचिंग स्ट्रेटजी, कि आपकी जो पढ़ाने का तरीका जो है वो किस तरह का है ना। स्ट्रिक्ट से पढ़ा रहे हैं या फिर लिबरल होकर पढ़ा रहे हैं, या फिर सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑडियो से पढ़ा रहे हैं, वीडियो से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, कि आप एक चैप्टर छोड़ के एक चैप्टर या फिर जहाँ से मन किया वहाँ से उठा के पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये आपका जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, है ना। जैसे बीएड करते हैं ना, तो यही सब चीज़ लेसन प्लान तो फलाना ढिकाना करवाता है, क्यों करवाता है, ताकि आप बच्चा लोग को सही तरीका से प्रॉपर मेथड जो होता है उसको फॉलो करके आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद होता है यूज प्रॉपर टेक्नोलॉजी, है ना। जो भी आपका सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कीजिए, चाहे वो ब्लैक बोर्ड का माध्यम हो या फिर स्मार्ट बोर्ड का माध्यम हो, है ना, जो भी हो। उसके बाद होता है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन कहने का मतलब टीचर जो है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, और प्रिंसिपल जो है वो अपने स्टाफ या टीचर को मोटिवेट करता है, और गवर्नमेंट जो है आपका हायर अथॉरिटीज को मोटिवेट करता है। तो एजुकेशन में जब तक मोटिवेशनल डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले सकता है, है ना। जैसे कि बच्चा लोग को बोल दिया जाता है ना, जो मान के चलते एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और एक सरकारी स्कूल में, तो आजकल बच्चा बच्चा में डिस्क्रिमिनेशन होता है, बोलता है तू तो खिचड़ी स्कूल में पढ़ रहा है ना, तुम्हारा पारा टीचर लोग पढ़ा रहा है, पारा टीचर अपने पारा हाई रहता है, तो इस तरह का बात करने से डिमोरलाइज हो जाता है ना, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है, जो आज हम लोग का सोसाइटी में ज़्यादा इस चीज़ को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशनल वाला जो है वो डेवलप होना चाहिए, ठीक है। और जो भी वहाँ का सिद्धांतिक है, प्रिंसिपल है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, है ना, कि टीचर को ये पता है कि हमको बच्चा को पढ़ाना है तो इंटरेस्ट से पढ़ाएं, ये नहीं कि ज़बरदस्ती हाँ चलो क्लास लेना है तो लेना है, ठीक है। दूसरा, जो क्लास कम्युनिकेशन होना चाहिए वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि लेक्चर की तरह या फिर नेता के भाषण की तरह यहाँ आया लेक्चर में पोडियम में बैठा और ये ज्ञान देना शुरू कर दिया और उसका ख़त्म हो गया, पाँच मिनट पहले उठ के चल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बल्कि वहाँ पर इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए। इंटरेक्टिव करने का मतलब कि अगर टीचर है तो टीचर स्टूडेंट से भी पूछेगा, है ना, जैसे पढ़ा रहा है बीच बीच में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, उससे इंटरेस्ट या इंटेंशन जो है वो बना रहता है। दूसरा चीज़ है कि बच्चा लोग को भी क्या होना चाहिए कि बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए या इंटरेक्शन, प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए किसके बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच। हाँ, सेंडर और रिसीवर यहाँ पर बात कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव यूज ऑफ फीडबैक, है ना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल है, एचओडी है, तो ये लोग को होना चाहिए कि ये जितना भी टीचर लोग पढ़ा रहा है, बच्चा लोग कितना सीख रहा है या फिर उसका लेक्चर कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, कि बच्चों से फीडबैक लें और बच्चों के बारे में टीचर से फीडबैक लें, जो भी है प्रिंसिपल है, एचओडी है, ताकि नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपनाने में मददगार होगा, कि हमारे पास कैसा बच्चा लोग आया है, उसका नॉलेज कितना हाई है या किस तरह की भाषा को समझता है, कैसे उस लोग को पढ़ाए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि फीडबैक लेना जरूरी होता है। तो देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, जैसे मैसेज करते हैं तो मैसेज समझ में आया कि नहीं आया, तो उसके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक। फीडबैक
नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मतलब नहीं होता है, फीडबैक से हमारा नेक्स्ट पॉलिसी बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, या फिर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में, इम्प्रूव करने में। तो उसी तरह से एजुकेशन क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो ये दोनों फीडबैक टीचर के साइड से और स्टूडेंट सेंडर और रिसीवर दोनों के साइड से आपका फीडबैक।